और आपने सबसे पहली अपनी फिल्म की रिकॉर्डिंग शायद रफ़ी साहब के साथ करी थी। जी हाँ जी हाँ, वो अमर अकबर एंथनी। जी हाँ, रफ़ी साहब के बारे में कुछ अगर आप कहना। रफ़ी साहब बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव उनका और बहुत ही सो केयरिंग एंड सो लवेबल, नो एयर्स अबाउट हिम, वेरी सिंपल मैन एंड जस्ट सो काइंड हार्टेड। मुझे एक इंसिडेंट याद है अबाउट रफ़ी साहब। रफ़ी साहब जी, हम लोग एक शो लेकर के गए, कॉन्सर्ट लेकर के गए सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के पास। उसमें रफ़ी साहब वॉज द मेन अट्रैक्शन एंड हम लोग सब आर्टिस्ट वगैरह साथ में थे, ज़्यादा कदा स्टेज पे जाते थे, इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम एंड देन कम आउट। दो दिन का कार्यक्रम था, रफ़ी साहब को एक दिन बुलाया था और दूसरे दिन एक और सिंगर को बुलाया था। वो किन्हीं वजहों से वो नेक्स्ट डे वो दूसरे सिंगर आए नहीं, तो हमने कहा हमारा तो शो खत्म हो जाए क्योंकि कोई गायक था नहीं। और जब सुबह हुई तब तो पता चला कि तो आ नहीं रहे, अब क्या करें। और रफ़ी साहब जो थे वो अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहे थे। आई रिमेंबर दैट वी ऑल रैन टू द एयरपोर्ट, ड्रोव मैनी माइल्स, वी चार्ज्ड इनटू द एयरपोर्ट, वी डिस्कवर्ड दैट ही इज ऑलरेडी सैट इन द प्लेन, द प्लेन वॉज स्टार्टिंग अप। We requested with folded hands the ATC, sir, please can we go and just speak to him for 2 seconds? And they gave us permission. And we ran into the aircraft and we told Rafi Sahab, sahab, aise ho gaya hai, wo aaye nahi hai, aur agar aap ruk jaye to hamara show hoga, warna yahan badi hamari bad ho jayegi. You know, the man just left his chair, came down without saying a word, performed the next day as well. Kya baat hai, क्या बात, जस्ट सिंपली नो फस एट ऑल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई जस्ट एडमायर्ड हिज सिंप्लिसिटी एंड देन व्हाट अ वॉइस, इट्स इटर्नल।